कोरोना के बाद स्थिति जैसे धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इस वक्त अभी मौजूद है पटना के कदमकुआ स्थित प्रदेश के सबसे बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल में, और हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हाल के दिनों में, और अब प्रतिदिन 300 से 400 के करीब मरीज यहाँ पर ओपीडी में दिखाने पहुँच रहे हैं। इसके अलावा इंडोर में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं अस्पताल के अधीक्षक, जानते हैं। निश्चित रूप से जब से लोग का आवागमन की सुविधा बढ़ी है, तब से पेशेंट की भी सुविधा हमारे यहाँ, अब दूर दूर से भी लोग हमारे यहाँ आने लगे हैं। वर्तमान समय में हमारे यहाँ 300 से 400 रोगी आउटडोर में प्रतिदिन है, इंडोर में पेशेंट की संख्या बढ़ने लगी है, और विभिन्न तरह की बीमारियों का चूँकि यहाँ इलाज होता है तो हर डिपार्टमेंट्स में मरीजों की संख्या बढ़ी है। किन बीमारियों के मरीजों की संख्या ज़्यादा है? देखिए, हमारे यहाँ जो पेट संबंधी विकार के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए ऐसे पेशेंट ज़्यादा आते हैं, स्किन डिपार्टमेंट में भी हमारे यहाँ पेशेंट अच्छा आते हैं, हमारे यहाँ ईएनटी डिपार्टमेंट में पेशेंट की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। गर्भवती पर यहाँ पुरुष से ही शुरू हो चुका है, यहाँ पर डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, और जो हमारे यहाँ से आने वाले समय गवर्नमेंट से भी अब फंड उपलब्ध हो गया है कि जो गवर्नमेंट के निर्देशानुसार जो डिलीवरी होता है वो जो उसमें यहाँ से पेमेंट भी और सब मेडिकल कॉलेज के अनुसार अब यहाँ भी पेमेंट होगा। तो जैसा कि अधीक्षक ने बताया कि परिवहन की सुविधा जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, दूर दराज से अस्पताल में पहुँचने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ की शिकायत को लेकर, चर्म रोग की समस्या को लेकर और पेट संबंधी समस्या को लेकर पहुँच रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी प्रणव के साथ कृष्ण नंदन।